हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा BLLB और LLB का एग्ज़ाम पेपर। LLB आपका थर्ड ईयर का है और BLLB आपका फिफ्थ ईयर का है। देख लेते हैं इस एग्ज़ाम को। कंपनी लॉ का एग्ज़ाम है, इसमें आपने कितना स्कोर किया है इस पर हम बात कर लेते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा होता है तो हमें आप कमेंट करेंगे कि सर मेरा इतना स्कोर है, हम चेकेंगे। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा कोई आंसर आपको गलत लगता है तो कंटेंट विद कमेंट करिएगा, हम उसे अगली वीडियो में चेंज करा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन वही 80 क्वेश्चन करने थे हर बार की तरह, इस बार भी हमने 80 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किया है। देखिए लगभग दो चार क्वेश्चन डाउट में रह जाते हैं, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निदेशकों की वर्ष में कितनी सभाएं होनी चाहिए, कितनी सभाएं होनी चाहिए। इसका आंसर होगा 4। क्या होगा? 4। इसका आंसर होगा 4। ओके, तो ये है, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ये। अब ठीक है, इसका आंसर होगा 4। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निदेशकों की दो सभाओं के बीच अधिकतम कितने दिनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कितने दिनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 120 दिनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर एकत्रित होकर अपने आपसी हितों से संबंधित विधि पूर्ण कारोबार से व्यवहार के लिए विचार विमर्श या चर्चा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा सभा। ओके, मूसा गुलाम आरिफ बनाम इब्राहिम गुलाम आरिफ 1913 का प्रसिद्ध वाद निर्धारित किया गया था किसके द्वारा, क्या था? प्रिवी काउंसिल। कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में कंपनी के निदेशक बोर्ड की गढ़पूर्ति के संबंध में प्रावधान उपबंधित किए गए हैं, किसमें किए गए हैं? सेक्शन 174। शासकीय परिमापक के क्या क्या तत्व हैं, शासकीय परिमापक के क्या क्या तत्व हैं, ये क्वेश्चन हमने ड्रॉप कर दिया है, ये छोड़ दिया है, आप देख लेंगे। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसमें दो इनकरेक्ट हैं, वो हमें, मैं बी की ओर जाऊंगा, आप देखेंगे आपने कौन सा लगाया है। कौन निदेशक नियुक्त किए जाने के योग्य नहीं है, कौन उपयुक्त सभी। ओके, भारत में पहली बार कंपनी अधिनियम कब अमल में आया, भारत में जो कंपनी एक्ट है वो जो आया 1956 में आया, और 1956 में सेक्शन 3 के तहत 1 अप्रैल को ये आया था, 1 अप्रैल 1956 को ये आया था, और इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 3। ओके, भारत के किस कंपनी अधिनियम में पहली बार लिमिटेड लायबिलिटी शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1857 में, और किसने जोड़ा था? ये जोड़ा था जॉन स्टॉक ने, किसने जोड़ा था? जॉन स्टॉक ने। भारत में तो 1956 का कंपनी अधिनियम किस समिति की सिफारिश के आधार पर लाया गया था, किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? ये था CH समिति, CS भावा की समिति थी, ये अध्यक्ष थे उसके, इनकी समिति थी। कंपनी लॉ अधिकरण के संबंध सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है, इसका आंसर है 5 वर्ष। 5 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना अति आवश्यक है। कंपनी लॉ अपीलीय अधिकरण में सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष के कार्यों का अनुभव होना आवश्यक है कंपनी लॉ में, तो ये 10 ईयर। ओके, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई थी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो कब हुई थी, वो हुई थी 31 दिसंबर 1600 में। ओके, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में असीमित दायित्व कंपनी को परिभाषित करता है, किस धारा में करता है, ये है 292। कंपनी अधिनियम 2013 में, 2013 की किस धारा में अंशों द्वारा सीमित कंपनी को परिभाषित किया गया है, किस कंपनी को किया गया है, ये है आपका आंसर। ठीक है, इसमें जो है आपका आंसर होगा सी 222। कंपनी अधिनियम 2013 में एकल व्यक्ति वाली कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया, एकल व्यक्ति वाली एक ही कंपनी होती है, इसका मतलब होगा आंसर बी।
कंपनी अधिनियम 2013 के धारा के प्रत्याभूति द्वारा समिति कंपनी को प्रभाषित किया गया है। इसका आंसर होगा धोखा सी। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किस धारा में कंपनी को प्रभाषित किया गया है, किस धारा में कंपनी को प्रभाषित किया गया है, यह है आपका आंसर डी। कंपनी विधि के अंतर्गत कंपनी को नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं है, किस बाद में निर्धारित किया गया है, इसे किया गया है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर IAR। ठीक है, इसके ये हो गया 20 क्वेश्चन हो गया। अब देखें अपंजीकृत कंपनी के तात्पर्य क्या है, ये देखो भागीदारी सोसाइटी और अवैध जो है व्यापारिक संगठन। अपंजीकृत होता है कि अवैध व्यापारिक संगठन होता है, भागीदारी यानी सोसाइटी पार्टनरशिप इलीगल एसोसिएशन जो होते हैं वो अपंजीकृत होते हैं। देखिए पार्टनरशिप भी रजिस्टर्ड होती है, सोसाइटी भी रजिस्टर्ड होती है, और इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। ओके, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किस धारा में निजी कंपनी को प्रभाषित किया गया है, निजी कंपनी को प्रभाषित किया गया है, यह धोखा सी। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किस धारा में संगम अनुच्छेद को प्रभाषित किया गया है, संगम अनुच्छेद को प्रभाषित किया गया है सेक्शन 25। ओके, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम किस पद में प्रतिपादित किया गया है, किस पद में, रॉयल ब्रिटिश बनाम। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में सार्वजनिक कंपनी प्रभाषित किया गया है, सार्वजनिक कंपनी को किया गया है वो है 271। किस बाद में कंपनी को दुश्मन यानी शत्रु कंपनी घोषित किया गया है, किस बाद में कहा किया गया है, ये डेलमर कंपनी थी। ओके, कंपनी अधिनियम 2013 की किस विवरण पत्रिका में परिभाषा दी गई है, किस विवरण पत्रिका में दी गई है, यह है 269। ओके, ये है तो किस बाद में निर्धारित किया गया कि कंपनी का अपने सदस्यों के पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, वैधानिक अस्तित्व होता है, यह है सैलमन कंपनी एक्ट। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा 245 में किसकी परिभाषा दी गई है, सरकारी कंपनी की। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 में किसकी परिभाषा दी गई है 256 में पूछ रहा है भाई, 256 में संगम ज्ञापन की दी गई है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एकल व्यक्ति कंपनी में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते, एक ही होता है, एक ही होता है। देखेंगे ज्ञापन की परिभाषा, यह कंपनी अधिनियम 2013 की 4 में प्रावधान है, किसका प्रावधान है, यह है ज्ञापन के प्रारूप का। ओके, कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा में संबंध कंपनी संयोजित कंपनी की परिभाषा दी गई है, इसका आंसर है 26। भारत में कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू हुआ, यह हुआ 30 अगस्त 2013। भारत में कंपनी अधिनियम 1956 कब परिवर्तन में आया, एक ये मैंने बताया था 1 अप्रैल में, आपको पहले ही बता के चला था 1 अप्रैल 1956 में आया था कंपनी एक्ट। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत निगमन की तिथियों से कंपनी को शाश्वत उत्तराधिकार नहीं किया प्राप्त हो सकता है, प्राप्त उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है, किसमें है, इसका आंसर सेक्शन 9। निगमित कंपनी की विशेषताओं से संबंधित क्या सही है उपयुक्त सभी। ओके, ये 38 हमने ड्रॉप किया है, 39 देखेंगे, 39 का आंसर होगा आपका डी। कंपनी अधिनियम 2013 की कितनी धाराएं हैं, ये हैं 470। ओके, कंपनी अधिनियम 2013 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, इसमें 7 अनुसूचियां हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या क्या परिवर्तन किया गया है, अधिकतम 200। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2-4 में किसकी परिभाषा दी गई है, किसकी परिभाषा दी गई है, यह अंश।
कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनी में कुल कितने न्यूनतम सदस्य होने चाहिए? निजी कंपनी में केवल 2 सदस्य होने चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एकल व्यक्ति की कंपनी में कम से कम कितने निदेशक होने आवश्यक हैं? केवल 1। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी सार्वजनिक कंपनी में कम से कम निदेशकों की आवश्यकता होती है कितने? केवल 3। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी व्यक्ति एकल कंपनी में अधिकतम निदेशकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। यार एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निजी कंपनी में अधिकतम निदेशकों की नियुक्त की जाने वाली संख्या क्या होनी चाहिए? 2। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निदेशकों निदेशक पद पर नियुक्त हो जाता है केवल नियुक्त हो जाता है केवल वो है प्राकृतिक व्यक्ति। ओके ये है, ये हमने ड्रॉप किया है 49। और 50 में हमें थोड़ा डाउट है, 50 में जो हमें डाउट है वो है आपका ये है वर्किंग वो सॉरी कंपनीज एक्ट में जो है आपका जो है ये फिक्स्ड कैपिटल पे। ओके ये जो है फिक्स्ड कैपिटल होगा, इसमें डाउट है, आप इसे चेक करेंगे, ये मेरी तरफ से सिक्योर नहीं है, देख लेना। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 255 में किसकी परिभाषा दी गई है? 255 में दी गई है सदस्य की। ओके किसकी दी गई है? सदस्य की। तो इसका जो कंपनी में जो है 255 में इसका होगा आंसर सदस्य। इसको देखते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा 234 में किसकी परिभाषा दी गई है? निदेशक की। 234 निदेशक, 255 जो है वो आपका सदस्य। देखें इसका है ग्राहकों की सभा, कंपनी अधिनियम 2013 में अंतर्गत बैठकों की सभा के संबंध में क्या सही नहीं है? तो है ग्राहकों की सभा। कंपनी अधिनियम 2013 में कुल कितने अध्याय हैं? कुल कितने अध्याय हैं? 29 हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है? 3। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सदस्यों को की संख्या के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? ये होती हैं आपकी 3। ओके तो मैं फटाक से इनके आंसर लगा देता हूँ, बहुत टाइम लग रहा है, इस तरीके से नहीं हो पाएगा, तो मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ, इससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपनी लाभ अर्जित करने के लिए उद्देश्य से निर्मित एक ऐच्छिक संस्था है, यह कथन निम्न में से किस विधा का है? ये है न्यायाधीश जेम्स का। ओके ये कंपनी एकल के समुदाय क्यों होता है? तो ये हमने ड्रॉप किया 58 को, 59 देखेंगे। 59 में है डी, 59 में है डी, 60 का सी, 61 का होगा आपका ए, सत्य है। 62 देखेंगे, 62 का है आपका सी, 63 देखेंगे, 63 का है आपका डी। ओके 63 का है आपका डी। अब यहाँ देखेंगे आप, इसका जो कंपनी विभिन्न प्रकार से कौन से हैं, ये होगा डी। में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? निदेशक कंपनी के स्वामी के रूप में है, ये गलत है। कंपनी रूपी शरीर का मस्तिष्क बोर्ड होता है, यह कंपनी किसके माध्यम से अपना कोई संपादित करती है? यह कथन किस विद्वान का कहा गया है? ये है ये जो लैंडले। ओके कंपनी अंश के कितने प्रकार के होते हैं? कंपनी अंश कितने प्रकार के होते हैं? उपयुक्त सभी दोनों। ओके सेलमोन बनाम, देखो ये क्या कहा है इन्होंने, ये है ये 68 का है, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स लॉर्ड्स द्वारा सेलमोन बनाम सेलमोन कंपनी का प्रसिद्ध वाद किस न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया? ये है क्योंकि किसी पब्लिक कंपनी के निदेशकों का दायित्व तो होता है, क्या दायित्व होता है? कंपनी के प्रति। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एकल व्यक्ति कंपनी का स्वरूप
हो सकता है केवल निजी कंपनी में, किसी कंपनी का संप्रवर्तक हो सकता है यह कोई विधिक व्यक्ति। 72 का है ए, 72 का होगा ए। 73 देख लेंगे, 73 आएगा, कंपनी पंजीकरण के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है, आवश्यक है सॉरी, आवश्यक है, इसका होगा डी, बीएनसी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी मैंने इसको गलत कर दिया है, आवश्यक नहीं है, ये जो है इसका भी डी है सॉरी, बीएनसी। अनुरोध में कौन सा संगम व्यायाम का मुख्य उल्लंघन करना आवश्यक नहीं है, इसका होगा आपका बी। ओके, निगमन पूर्व संविदा के लिए कौन उत्तरदायी होगा, कौन उत्तरदायी होगा, योगा संप्रवण संप्रवण अक्खन। कौन सी कंपनी विवरण पत्र का जारी कर सकती है, कौन सी कंपनी विवरण पत्र का, सार्वजनिक कंपनी। ओके, किसी कंपनी का आधिकारित कार्य होगा, किसी कंपनी का आधिकारिक कार्य होगा शून्य। संगम अनुच्छेद अधीनस्थ दस्तावेज होते हैं, यह संगम ज्ञापन का। ओके, रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम ट्रकवाड वाद संबंधित है, किससे संबंधित है, ए, आंतरिक प्रबंध सिद्धांत से। कंपनी अधिनियम 2013 के अधिवास निदेशक के तत्व पर है जो भारत में कम निवास करता हो, कितने दिनों से, 180। फास बनाम हर्बर्ट अल्कवाद 1843 संबंधित है, किससे संबंधित है, बहुमत का नियम। एक दुर्घटना में कंपनी के सभी सदस्य मारे गए तो अधिकरण का फैसला होगा करेगा, अधिकरण फैसला करेगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी के परिश मापन के लिए कौन आवेदक कर सकता है, कौन आवेदक कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। कंपनी विदेशी कंपनी से तात्पर्य है जो बाहर भारत से बाहर निगमित हो और भारत में व्यापार कर रही हो। 85 राष्ट्रीय कंपनी, देखिए 85 राष्ट्रीय कंपनी लॉ अधिग्रहण का अध्यक्ष कौन हो सकता है, कौन हो सकता है जो किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधीश हो। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निदेशकों की अयोग्यता से संबंध में प्रावधान है, किसमें है, 164। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी के परिश मापक की नियुक्ति से संबंधित किया किस धारा में है प्रावधान, ये देखेंगे, ये है आपका 275। ओके, अब देखेंगे 88 कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार कंपनी की स्वेच्छा से परिश मापन किया जा सकेगा, सकता है, किया जा सकता है, ये है 271। संगम ज्ञापन का उद्देश्य खंड संशोधित हो सकता है, इसका होगा डी। ओके, अंश के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो है सी। ओके, हामेदारी प्रत्यक्ष संबंधित है किससे है, अंशों के क्रय संविदा से। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत परिश्रम अंश जारी किया जा सकता है, बीएनसी। परिश्रम अंश जारी किया जा सकता है, ये ड्रॉप किया है, देखें ये वाला ड्रॉप किया है। 94 देखें, कंपनी के उपक्रम में कौन बेच सकता है, ये है डी। निगम का आवरण हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा। सार्वजनिक कंपनी अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है, असीमित, अनलिमिटेड होती है। क्या एक कंपनी न्यूनतम सदस्य संख्या को पूर्ण करने के लिए किसी अन्य कंपनी की सदस्य हो सकती है, हाँ हो सकती है। विवरण पत्रिका के में क्या सत्य नहीं है, विवरण पत्रिका में क्या सत्य नहीं है, इसका हुआ ए, आंतरिक प्रबंध का नियम। कौन सी कंपनी अंश जारी कर सकती है, बीएनसी। कंपनी के पंजीकरण
कार्यालय को शहर के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा? निदेशक मंडल के द्वारा। ये थे आपके 100 के 100 क्वेश्चन जो कि हमने किए हैं। इनमें से लगभग 5 क्वेश्चन डाउटेबल थे तो जो हमने ड्रॉप कर दिए हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो उसका आंसर आप कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है आपका BA LLB का, ठीक है। BA LLB and LLB का है, ये है आपका, ये रहा, देखिए LLB and BA LLB का है, ये आपका 5th ईयर BLLB और LLB 3rd ईयर का है। ये होगा आपका कंपनी एक्ट वाला, यो है ये देखिए कंपनी लॉ वाला। तो आप इसे चेक करिएगा और अपनी आंसर शीट को हमें बताइएगा कि आपके किसने कितने आंसर करेक्ट हैं, और आंसर करने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई गलती होती है क्वेश्चंस में तो डोंट माइंड, आप उसे माइंड नहीं लीजिएगा, और दूसरा उसकी कंटेंट विद कमेंट करिएगा, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में चेंज कर देंगे। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।